अगर किसी का राशि स्वामी शनि हो तो क्या उसे जीवन भर पीड़ा होती है? शनि के दो राशियां होती है, एक होती है मकर, दूसरी होती है कुंभ। इनके राशि स्वामी जो है वह शनि होते हैं। तो यह भी एक बहुत बुरी भ्रांति है लोगों में कि जिसकी मकर है या कुंभ है वो शनि से हमेशा पीड़ित रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने को इसको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि इन पर ही शनि की जीवन भर कृपा भी बनी रहे। अपने को इसको दूसरे पहलू से देखेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे कि मकर और शनि पे जो कुंभ है इन दोनों राशि पे, चूंकि हम अपने बच्चे को यदि माँ या पिता जब भी डांटेंगे तो किसी अच्छे के लिए डांटेंगे, उसकी अच्छाई के लिए डांटते हैं, तो उसी प्रकार से शनि मकर और कुंभ राशि वालों को जो भी जातक रहते हैं उनको यदि कष्ट भी देंगे तो उनकी अच्छाई के लिए वह कष्ट देंगे कि और उनको कभी भी इस प्रकार की पीड़ा नहीं देंगे। दूसरे इसमें क्या होता है कि शनि की जब महादशा चलती है या अंतरदशा चलती है या साढ़े साथी चलती है तो शनि रंग से राजा बनाने की शक्ति रखता है और राजा से रंग बनाने की शक्ति रखता है, लेकिन कुंभ और मकर राशि वाले को यह एक न्यूट्रल लेता है, उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे ले जाएगा, तो उसी में ये लोग घबरा जाते हैं। तो इनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा शनि को जीवन पर्यंत आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। शनि को आपको कभी भी छोड़ना नहीं पड़ेगा कि यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है तो आप छोड़ो मत। शनि की महादशा में तो आपको जाप करना ही है, उनके मंदिर जाना ही है, उनके अनुसार आचरण भी करना पड़ेगा। शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं कि न्यायोचित कार्य करो। यदि आपने किसी के हक का कुछ पैसा लिया, यदि आपने किसी के पेट पर लात मारी, यदि आपने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को धोखा दिया, यदि आपने अपने अधीनस्थ कर्मचारी से 2000 रुपए साइन कराई और 1200 रुपए दिए, तो शनि जरूर ही आप पर अपनी दृष्टि डालेंगे। और यह मकर और कुंभ नहीं, यह सभी राशि वालों के ऊपर होता है। क्यों नहीं करेगा? यदि शनि आध्यात्म का कारक है, शनि न्याय का देवता है, शनि न्यायप्रिय है, तो शनि के लिए हमको न्यायप्रिय बनना पड़ेगा। जब भी शनि को न्यायप्रिय बनेंगे तो हमारे सब कार्य, फिर हमें कोई किसी भी प्रकार के, यदि हमारी कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, मकर है, कुंभ है, मेष है, फिर हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारी महादशा कब आ गई और महादशा कब चली गई। लेकिन यदि तो भी हम न्यायोचित कार्य करते हैं, कई लोग आते भी हैं ऐसे कि हमारे न्यायचित हम कार्य करते हैं उसके बाद भी वो परेशान दिखते हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो भक्ति है उसमें और श्रद्धा का अनुपात बढ़ाएं। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें और कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता है। किसी योग्य ज्योतिषी या पंडित को, किसी योग्य व्यक्ति को आप अपनी पत्रिका का अध्ययन कराएं। हो सकता है कि आपकी पत्रिका के अध्ययन से आपका जो कार्य है वह सफल हो जाए।